बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, आईसीसी ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के स्केड्यूल का ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दिया है और मुकाबलों का मुकाबला महामुकाबला 9 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच होगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि T20 मुकाबला है और न्यूयॉर्क में खेला जाएगा, USA के अंदर न्यूयॉर्क है और उधर 8 बजे सुबह के खेला जाएगा। मतलब T20 मुकाबला सुबह के 8 बजे। जीत किसकी हुई है? ये एशिया की ऑडियंस की, क्योंकि सारी ऑडियंस जो है वो पाकिस्तान इंडिया के अंदर से ही आती है, ज़्यादातर ऑडियंस इधर से ही होती है, जिसकी वजह से ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो कि जिन्होंने बाय किए हुए हैं उनकी मर्जी की वजह से यहाँ ऑडियंस को दिखाने के लिए उधर सुबह सुबह 8 बजे मैच का आगाज़ करवाया जाएगा, ताकि इधर ऑडियंस जो है वो TV पर बैठ कर सुकून से मैचेस देख सकें। एनीवे स्केड्यूल पर जाते हैं। स्केड्यूल में 1 जून से लेकर 29 जून तक ये T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। 20 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें 4 ग्रुप्स रखे गए हैं। ग्रुप्स 1 में यानी कि ग्रुप ए में पाकिस्तान इंडिया की टीम शामिल है, साथ आयरलैंड कनाडा और USA की। ग्रुप बी में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया नामीबिया स्कॉटलैंड और ओमान शामिल है। ग्रुप सी में न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान युगांडा पापुआ न्यू गिनी शामिल है, जबकि ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका श्रीलंका बांग्लादेश नैदरलैंड और नेपाल की टीम शामिल है। पाकिस्तान अपना पहला मुकाबला जो कि 6 तारीख को खेलाएगा। इंडिया के मुकाबलों की अगर बात करें, स्क्रीन पर ही आप देख सकते हैं, इंडिया 5 तारीख को पहला मैच आयरलैंड के साथ खेलेगा न्यूयॉर्क के अंदर, उसके बाद पाकिस्तान के साथ उसने 9 तारीख को खेलना है, फिर USA के अंदर 12 तारीख को, फिर कनाडा के साथ 15 तारीख को। पाकिस्तान अपना पहला मुकाबला 6 तारीख को कनाडा के साथ खेलेगा। ऑफिशियली तौर पर भी स्केड्यूल मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सारा टोटल स्केड्यूल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें पाकिस्तान के भी हर टीमें मैं आपको थोड़ा सा भी समझाता हूँ किस किस के साथ कैसे कैसे मैचेज होंगे। ग्रुप्स में तो रखा गया है 4 ग्रुप्स जो ICC ने बनाए हैं, इन 4 ग्रुप्स में 5-5 टीमें हैं। इट मीन्स के सभी टीमों ने ऑलमोस्ट 4-4 मैचेस खेलने हैं। जब 4-4 मैचेस सभी खेल लेंगे, जो टॉप 2-2 टीमें होंगी हर ग्रुप्स में से, वो Super 8 में आ जाएंगे। Super 8 में से फिर 2 ग्रुप बनाए जाएंगे, फिर 2-2 ग्रुप होंगे, यानी कि 4-4 टीमों के 2 ग्रुप और बन जाएंगे, और उन दोनों ग्रुपों में से फिर 2 टीमें और आगे आएंगी, तो मतलब कि 4 टीमें आगे निकल कर आएंगी, और इन 4 टीमों का क्रॉस की बेस पर यानी कि टॉप पर और दूसरे नंबर पर, और इधर टॉप पर और इधर दूसरे नंबर पर, ऐसे उनका सेमीफाइनल करवाया जाएगा। फिर 2 टीमें जो बचेंगी वो फाइनल खेलेंगी। तो इट मीन्स काफ़ी ज़्यादा मैचेज हैं। 20 टीमें पहली दफ़ा कोई ICC के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे पहले इतनी ज़्यादा टीमें कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करती। 20 टीमें होंगी, 4 ग्रुप्स, और उसके बाद 4 के बाद फिर दोबारा Super 8 वाला मरहला, और उसके बाद Super 8 के बाद सेमीफाइनल, फिर फाइनल। इट मीन के पाकिस्तान वाले ग्रुप में से पाकिस्तान और इंडिया तो आगे जा रहा है। मैं इधर आपको अभी रिजल्ट भी बता सकता हूँ कौन सी टीमें ऑलमोस्ट जाने की कोशिश करेंगी, जो कि वैसे तो T20 फॉर्मेट है, कोई भी टीम जा सकती है, जो लेकिन जो मुझे फील हो रहा नज़र आ रहा है वो सभी टॉप 2-2 टीमें हैं वो चली जाएंगी। जैसे पाकिस्तान वाले ग्रुप में पाकिस्तान इंडिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका, और वेस्ट इंडीज वाले में साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज, मतलब कि टॉप जो मेन टीमें हैं वो नजर आ रही हैं कि ये 2-2 निकल जाएंगे। लेकिन क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बांग्लादेश भी सरप्राइज कर सकता है, अफगानिस्तान भी सरप्राइज कर सकता है, कोई भी टीम सरप्राइज कर सकती है। लेकिन इसमें स्केड्यूल में इसमें ऑडियंस की जीत हुई है। इसमें जो उधर स्टेडियम में बैठकर जिन्होंने देखना उनको नहीं देखा गया, जिन्होंने TV पर बैठ के देखना है उनको मद्देनजर रखकर ये स्केड्यूल इस लिहाज से बेहतर किया गया। लेकिन सबसे मजे की जो बात है, पाकिस्तान इंडिया का जहां मैच होना है न्यूयॉर्क के अंदर, वो इतनी गंदी किस्म की कंडीशन है इस वक्त, फुल रेडी नहीं है, बिल्कुल भी रेडी नहीं है स्टेडियम। और मैच की ऑलमोस्ट थोड़े से मंथ रह गए हैं, 5-4 मंथ की बात है। 5-4 मंथ के अंदर अंदर आप कैसे फुल स्टेडियम को रेवन्यूट करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि वो इस वक्त उसकी कंडीशन इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है आप कह सकते हैं जैसे कोई ऐसे गली मोहल्ले का ग्राउंड होता है ना, इस तरह की कंडीशन है ना, उसके अंदर कोई भी सहूलियत मौजूद है ना, ही चेयर्स वगैरह का इंतज़ाम है, ना ही कोई और इंतज़ाम है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है न्यूयॉर्क के लिए कि कैसे वो इसको सारी चीज़ों को मुकम्मल करते हैं। लेकिन उधर सुबह 8 बजे मैच शुरू हो जाएगा पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, रात को ऑलमोस्ट 10 ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से बनेगा, और 9 तारीख को पाकिस्तान इंडिया वाला न्यूयॉर्क के। ICC ने पोस्टर भी जारी किया है, उसमें रोहित शर्मा भी नज़र आ रहे हैं, शाहिन शाह अफरीदी भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि शायद रोहित शर्मा टीम इंडिया की कमान संभालें, लेकिन साथ शाहिन शाह अफरीदी को भी पोस्टर में रखा गया है।